अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुजाहिद मास्टर, जितना विधायक है सब कोई काम नहीं किया है, न कोई कलवर्ट हुआ है, न कोई रास्ता हुआ है। मुजाहिद मास्टर आते आते 5 साल में जितना काम किया है, एकदम सुरक्षित आदमी खुश है उसका काम से। और मुजाहिद मास्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा, मुजाहिद मास्टर जीतेगा। अव्वल पोजीशन पे इसके सामने में कोई खड़ा होने की हैसियत नहीं है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद को लोग विकास के नाम से, उनके नाम के नाम से, उनके अच्छे व्यवहार के नाम से, 4G के नाम से बहुत सारे विचार हैं, जिससे माननीय विधायक के नाम पे उसके आगे में कोई टिकने का हैसियत ही नहीं है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, चाहे राजद के हों या MIM के हों, उनका तो ये कहना है कि भाई जदयू का मतलब BJP है, BJP को वोट देने का मतलब गलत है, गुनाह है। जी, फिर लोकतंत्र में सबको किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो BJP का BTM MIM ही है। अच्छा। जहाँ भी अगर MIM इतनी मजबूत पार्टी थी तो पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ दी। क्यों सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहा है? अवैसी जहाँ मुसलमान है, जहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है, वहाँ क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि को उतार रहा है वो? मेरा यही सवाल है अवैसी से। हम चाहेंगे कि अवैसी इतने ही लोकप्रियता है तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो भर गया है, क्यों फिर 10 या 50 सीट पर लड़ रहा है वो? अभी हम लोग विधायक जी के साथ में चल रहे हैं गाँव में, अभी भाग बैसा गाँव में है और लोगों का तो उत्साह बहुत ज़्यादा है जी, और इसी तरह का। अच्छा, आप एक प्रतिनिधि हैं और विधायक जी के साथ जा रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण में हैं, ओवरऑल आपको आपसे जानना चाहेंगे कि भाई क्या किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी तरफ से कोई मैसेज है आवाम के लिए? तो काम करने वाला विधायक है, अच्छा कार्य किया है, जितना समय मिला है उसका मजदूरी उनको मिलना चाहिए। कितना विकास किया आपके साथ? विकास तो हर गांव में किया है, कोई गांव ऐसा शुरू हुआ नहीं है कि मास्टर मुजाहिद ने विकास का काम नहीं किया। लेकिन विपक्ष जो है लगातार CNR CNPR को लेकर घेरने का काम कर रही है। विपक्ष का काम है घेरने का, वो अपना काम अपना निभा रहा है, झूठा बोल के आश्वासन दे रहा है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से अपील यही हम करते हैं कि भाई अगर मास्टर मुजाहिद ने अगर आवाम के पीछे खिदमत किया है तो उनको वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि मास्टर मुजाहिद साहब समाज सेवी हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन उसके विपक्ष इजहार अश्वी साहब, क्योंकि उन्होंने जिला परिषद की इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वो कहाँ सो गए थे? 2017 का बाढ़ आया, उस वक्त कोई राहत सामग्री नहीं। अब जैसे जैसे नज़दीक इलेक्शन आ रहा है उसके बाद वो राहत सामग्री बांट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्शन लड़ रहा है विपक्ष कि मतलब CNR CNPR लागू हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहली बार तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों का वो ठेकेदार नहीं है और ना ही ठेकेदार बनने की कोशिश करें। हम मुसलमान अपने यहाँ पर अपने बाई चॉइस हम लोग यहाँ पर हैं, इंडियन है। और दूसरी बात, CNR CNPR चुनाव की कोई मुद्दा नहीं है। वो आज कह रहे हैं कि CNR CNPR, अच्छा ठीक है, मान भी लेते हैं एक कि उनका ये मुद्दा है, तो उनसे मेरा एक गुजारिश है सिर्फ कि क्या आप विधायक बनने के बाद CNR CNPR ख़त्म कर दीजिएगा? अगर ख़त्म कर दीजिएगा तो आप लिखित दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अगर लिखित नहीं दे पाते तो आप ये मुद्दा को हटाइए, अपने नया जो मैनिफेस्टो है, जो चुनाव मैनिफेस्टो होना चाहिए एक प्रत्याशी का, वो बताइए हम लोग को, वो जनता को बताइए। तो हमारा विधायक मारथाबक चाची बहुत 5 साल से चाची वार्ड दिलो हमारा छी 5 साल से समझी लो जेडा काम कोशी वार्ड डायरेक्ट कोशी हमारा, लेकिन हम जर काम करो। मैं तो बोले BJP आदमी है, BJP आदमी नहीं छा, वहाँ BJP आदमी रहो, लेकिन मार साहब जेडा कहम वहाँ मार साहब करो उनका काम, सुन लो मार साहब अपना लोकल आदमी से कोई भी परेशानी हो चे फौरन एक फोन करो मार साहब। और अवैसी साहब, अवैसी साहब की कर पे वहाँ तो दूर रहे, वहाँ तो दूर सुना की कर पे वहाँ कंडला करते ना कली डेला कुछ नहीं पावे करो वहाँ। अरे मार साहब मोर घोड़ा आदमी है ना, मोर घोड़ो छे वहाँ गुना लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं, ठीक है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। लोग उनको अपने दिलों में बसाते हैं और कोचाधामन की जनता इस तरह से दिल में उसको बसा लिए हैं कि मुश्किल है कि इस बार भी उसके डबल वोटों से, डबल मतों से उसको कामयाब बनाएंगे। और ये जो आपके कैंडिडेट हैं, नया प्रत्याशी जो है इजहार अश्वी साहब, उनका बेटा आज फेसबुक लाइव जो खेल रहे हैं, उनका बेटा जो फेसबुक लाइव खेल रहे हैं, तो वो 6 साल में कहाँ थे?
जो आज लाइव खेल रहे हैं, माटी माटी का जो खेल खेल रहे हैं, वो इससे पहले कहाँ थे? आज उनको याद आया, कोचा दमन की हमदर्दी दिखा रहे हैं वो, तो 6 साल में क्यों नहीं रोड देख रहे थे, क्यों नहीं कलवर्ट देख रहे थे, क्यों नहीं लोगों में वो थे? आज वहाँ से वो विदेश में बैठ के सिर्फ फेसबुक में लाइव लाइव ही खेलते हैं। पानी टूटी फूटी सब हर वजह से मतलब हुई है, आज तक कोई नहीं करे घोर घाट रोड अंगनाथ रोड बहरे रोड बहुत फिनिशिंग अच्छा करिया वहाँ। देखिए हम लोग तो एक छोटे से गांव, छोटा डिस्ट्रिक्ट, वो भी इंटीरियर में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग जो कुछ भी है हम लोग आप लोगों पर डिपेंडेंट हैं, हम लोग मतलब मीडिया पे डिपेंडेंट हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। अभी तक जो सर्वे सारा बता रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ पर जिस आप हमको जिस जुलूस में देख रहे हैं इससे भी बात वाजह है कि हम किसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि अभी हमारे जो करंट जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम में इतने कुशल हैं, या फिर वो अपना जो पिछला 5 साल जो गुजारे हैं वो उससे लोग इस तरह से संतुष्ट हैं कि ना चाहते हुए भी पार्टी के खिलाफ या मुखालिफ या दिल में कोई एक कसक रहने के बावजूद भी लोग कैंडिडेट के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हैं। वो खुद आए, 2-4 लोग आए और यहाँ पर पूरा कारवां बन गया, और जहाँ पे भी वो जाते हैं तो हम समझते हैं ऐसा ही होता है, इसलिए हम तो अपने पुराने जनपद प्रतिनिधि के ही साथ हैं। और वैसे भी वो जदयू से हैं, और नीतीश कुमार का जो पिछला कार्य 5-15 साल का कार्यकाल रहा है ये हमको और उससे पहले के सारे लोगों से अच्छा लगा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा ही होगा। तो हम तो वही कह रहे हैं ना।